एक बार यकूजा किवामी में फिर से आपका स्वागत है। और अगर आपको अच्छे तरह से याद है, लास्ट टाइम हम कई बार हार गए कोलोसियम टूर्नामेंट, तो अब के लिए खजुमा बहुत गुस्से में, उसने पूरे कमरोचो पे वॉर डिक्लेयर कर दिया है, वो सारे गैंग को पीट डालेगा गुस्से में। खजुमा सांड की स्पीड से आ रहा है सबकी तरफ, कमरोचो के सारे गुंडे अब पिटेंगे। किरियू कजुमा यानी कि हम गीकी सैम, हम किरियू कजुमा बने इस गेम में, पूरे कमरोचो पे हमला करने वाले हैं, कोई भी गुंडा नहीं बचेगा किरियू के पंच से, सबको पीटेंगे। जैसे ये मैजी मां भी आएगा, मैजी मां भी पीटेंगे। यस, इसको बोलते लगा। ओ भाई, चाकू लेके आ गया ये तो। ओ ओ ओ, अरे इसकी चाकू कहाँ है? चाकू थी, अरे इसके पास चाकू था, चाकू नहीं मिला। बहुत बढ़िया, उसका नेक्स्ट वो भी डेडली मूव है। बाइक बाइक स्कूटर स्कूटर बिना के मारो। ये गेम का और किरियो कजुमा का ट्रेडमार्क फाइटिंग स्टाइल, मतलब ये नहीं है एक्चुअली, ड्रैगन स्टाइल मेन है फाइटिंग स्टाइल, पर जिस तरह से बाइक और साइकिल उठा के मारता है, स्कूटर उठा के मारता है, ये तो आइकॉनिक है, क्योंकि और किसी गेम में ऐसा शायद कर ही नहीं सकते। बाइक उठा के कौन मारता है? हर गेम में ऐसा सिस्टम होना चाहिए, पूरे बाइक उठा के मारता है। ओ, और या कुछ आ गए, आज कोई नहीं बचेगा। फिर यू कसू मैं बहुत गुस्से में, हार गए हम ऐसा लगातार कल हार गए। बस अब कोई भी गैंग नहीं बचेगा, सब उसकी हड्डी टूटेगी। फेंक दिया, फेंक दिया। Essence of Brawler. मजीमा कहीं पे दिख नहीं रहे, मजीमा आ गया तो उसकी भी अच्छे से हम कटाई करेंगे। ओह, मजीमा आ गया, स्टीव ऑफ द डेविल। ओह, इस बार तो इसमें से रेड हीट निकल रहा है, मतलब ये भी ड्रैगन स्टाइल में आ रहे हैं। वो भाई ये कौन से स्टाइल, ओ नो 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 नो, ये वाला तो बहुत मुश्किल है जब ये करता है। मेजीमा का ब्रेक डांस फाइटिंग स्टाइल। ओ भाई भाई भाई, नहीं 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 नहीं, वो इसका ब्रेक डांस फाइटिंग स्टाइल कुछ और ही चीज है। देखो आजकल कोई ब्रेक डांस करता नहीं है, और ये ब्रेक डांस को इसमें फाइटिंग स्टाइल है। जब ये ब्रेक डांस फाइटिंग स्टाइल करे ना, एक टिप देता हूँ, तब ब्रॉलर स्टाइल में मोटरसाइकिल उठा उठा के मारो, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है। मे भी शायद और कोई तरीका होगा, मुझे तो नहीं आता, और लेकिन मैंने कीबोर्ड और माउस के साथ खेल के बहुत तकलीफ होता है। भाई देखो,
रुको रुको एक मिनट से मैं जीवा मेरे को बाइक स्कूटर उठा के मांगने दो Yes, finally, वो मजीमा को एक बार तो एटलीस्ट नॉकआउट कर दिया। अरे भाई मैंने गलत की दबा दिया। वाह, मैं तो एस्केप दबाना ना था, मैं गलती से क्यों दबा दिया। ओह, उसको पेड़ पे पड़ गया। ओ भाई, ये तो नया चीज हूँ मैं, पहले नहीं देखा ये मैंने। ओ हमारा हीट मीटर काफी फुल हो चुका है। देखते हैं मेजीमा को इस बार हरा के कौन सा मूव अनलॉक किए। सस गया। तब तक के लिए हम और गुंडे पीते और थोड़े से इस गेम के सब स्टोरीज भी आपको दिखाते हैं जो साइड मिशन होते हैं बेसिकली इस गेम में। अरे हमने एक भी नया ड्रैगन स्टाइल फाइटिंग मूव अनलॉक नहीं किया नजीमा को हरा के बाद। अगली बार डेफिनेटली नया मूव अनलॉक करते हैं। ओ भाई गुंडे आ गए, चलो गुंडों की पिटाई करते हैं। साउथ इंडियन मूवी। या शुभ या वाह क्या डिफीट किया है। इसको कहते लड़ना, क्या इसको बोलते स्ट्रीट फाइटर में, क्या बोलते इसको बोलते स्ट्रीट फाइटिंग स्टाइल। ओ भाई हम अच्छे से हम मास्टर कर रहे हैं अलग अलग फाइटिंग स्टाइल्स को यूज कर रहे हैं। वाह क्या राउंड आउट किक किया है जमीन पे लेट के। तो बहुत मजेदार था। ये क्या जूडो वाला थ्रो किया है। इवन तो मेरे हिसाब से किरियु खजुमा का जो फाइटिंग स्टाइल है और गेम में जितने भी फाइटिंग स्टाइल हैं इवन मेजीमा के हैं वो बेसिकली किसी मार्शल आर्ट से मैच नहीं करते हैं। अभी धीरे धीरे मेजीमा के मूव जो है मीन मेजीमा और किरियु के स्पेशली किरियु के थोड़ा जूडो दिख रहा है उन्होंने। गुंडे काई को बेचारे को तंग कर रहा है, उनका भी पिटाई करना पड़ेगा क्योंकि किरियो ने तो सारे कमरोचों के गैंग्स पे लॉ डिफेंड कर रहा है। कोई भी छोटा मोटा गुंडा, कोई भी याकूजा, कोई भी नहीं बचेगा। नो भाई नहीं नहीं भाई किरियो गुस्सा मत लेना, आप काफी ब्यूटीफुल आदमी हो गया ड्रैगन ऑफ रोजीना को नहीं पहचान रहे। डबल किक। इस बार तो हम पूरा अच्छे से धूम मचाएंगे कमरों से, तूफान मचाएंगे, तूफान कमरों से में एक नया तूफान है, उसका नाम है गेकी सन। मेरा मतलब यानी कि किरियु कजुमा।
अरे वाह, हमने एक नया फाइटिंग मूव अनलॉक कर दिया, हमारा स्किल पॉइंट बढ़ गया। उड़ेगा मार कितने? मेजीमा कहीं पर दिखने रहे, वो रास्ता ढूंढता हूँ जहाँ पे वो आदमी दौड़ रहा था, वहाँ पे एक सब स्टोरी आई थी। हाँ वो यही एरिया था, यहाँ पे एक आदमी गोल 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 घूम रहा था। हमने रिंग कौन कर रहा है? हेलो किरियो-सान, मैं निशिदा बात कर रहा हूँ मेजीमा फैमिली से। मेजीमा कहाँ है इस बार? नहीं, इस बार अलग है, इस बार बॉस एक बहुत ही खराब मूड में है, बस मैं तुम्हें वार्निंग देना चाहता था। बहुत ही खराब मूड में है। हाँ, अगर तुम उसको मिलो इस बार वो तुमको रश करेगा बेसबॉल बैट लेके। ओ भाई, मैं जी मैं आपके स्लगर मूड में आ गया। ये तो हर बार की लड़ाई है। हाँ, पर ये इस बार बहुत ही खराब मूड में। आओ मेजीमा बैटिंग सेंटर में, फिर तो हम डेफिनेटली जाएंगे मेजीमा से लड़ने। और मेरे को लगता है मुझे अपने साथ भी एक बेसबॉल बैट लेके आना चाहिए। वो बैटिंग सेंटर में मेजीमा हमारा इंतजार कर रहा है। मेजीमा का मूड खराब है और ये आदमी है कौन जो गोल गोल घूम रहा है? क्या हो रहा है? ये आदमी गोल गोल क्यों घूम रहा है? अरे आदमी तो याकुजा दिख रहा है मेरे को। अरे पीछा कर रहा है, गोल गोल क्यों घूम रहा है? चोट तो सागा। फिर और गुंडे आ गए, रुक जाए इनकी, दे जल्दी से लड़ाई खत्म करता हूँ। यस, अब ये सबसे क्विक तरीके में लड़ाई खत्म करता हूँ। बाइक उठा के मार। ये तो टूट गया। बॉक्सिंग करने का मतलब ओ भाई, मेरा सर दीवार पे मार दिया। सब टूट गए, सब टूट गए, और हमारा 8 meter पूरा भर चुका है। बस आप नहीं बच पाएंगे। यस, वहाँ किरियू की क्या लात है, बहुत ऊपर से कर जाती है लात। अब वो आदमी है किधर जो गोल गोल घूम रहा है? ओ हाँ नहीं, इसको संभाल के रखना पड़ेगा भाई। वो आदमी कहाँ भाग गया जो गोल गोल घूम रहा था? चक्कर क्यों लगा था इस जगह के? ओ तो ये तो नौ रिच आदमी, इसकी पिटाई करनी पड़ेगी। अरे यार नहीं नहीं नहीं, मेरे को नौ रिच आदमी की पिटाई करनी है। वो जो अमीर याकूजा है, मेरे को लगता है याकूजा हमेशा हथियार रखते हैं। अगर ये गोल्डन सूट वाले लोग देखे मतलब ही रिच याकूजा है, और दो दो मेरे को दिख रहे हो। अरे इस बार ये झगड़ा ही नहीं कर रहे मेरे से, तो हमेशा ही झगड़ा करते। ओ भाई झगड़ा करो मेरे से। अरे इस बार इसको पता ही नहीं पड़ रहा है ये तो याकूजा है ना, अमीर याकूजा। ओ भाई हमारे पीछे छोटे मोटे गुंडे लग रहे हैं, और ये अमीर गोल्डन सूट वाला याकूजा नहीं लग रहा। अगर ये हमारे पीछे लग जाए तो हम इनको लड़ाई में डिफीट कर सकते। बहुत अच्छा पैसा भी मिलता है इनको डिफीट करने के लिए। बहुत ही अजीब चीज है हमारी याकूजा। अरे यार ये आदमी कर क्या रहा है, चक्कर भी नहीं, गोल 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 गोल। फिर से ये लोग आ गए। ओ भाई से नुकीले कील वाली चीज डाली है।
बेसबॉल बैट बना दी है। लोगों ने घेर क्यों रखा, इतना एग्रेसिव क्यों हो गया? छोटे मोटे पंख से इससे क्या, इससे इतनी मुश्किल क्यों हो गई? इतना एग्रेसिव क्यों हो गया? लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही खींच दिया गुंडा, बहुत एग्रेसिव हो गया। इसकी बेसबॉल बैट खेलनी पड़ेगी। हाँ बहुत बढ़िया, उसकी बेसबॉल बैट मिल जाएगी हमें। बेसबॉल बैट भाई, वो अमीर याकुजा गोल्डन फ्रूट वाला चला गया यहाँ से, और ये आदमी अभी भी गोल गोल घूम रहे हैं। इतना लड़ाई हो गया, अभी भी गोल गोल घूम रहे हैं यहाँ आदमी, क्या है ये? कमाल है गेम के सब स्टोरी। मैं किसी भी गेम में नहीं देखा एक ही एरियन में कोई गोल गोल घूमते हुए इस तरह। और ये गोल गोल घूमना बंद नहीं करेगा जब तक मैं इससे बात नहीं करूँगा। पैनी क्या कर रहा है, जासूस है या क्या है, याकूजा है क्या? अरे भाई बात कर, मूव इट, याकूजा एस्केप ही, याकूजा ऑन द रन सब स्टोरी। देखा मैं सही था, याकूजा ही है। ओह मैं जानता था हमसे झगड़ा क्या रहेगा सबसे पहले। इसको मालूम ही है कि डायरेक्टली ड्रैगन और ओजीमा से लड़ रहा है। और ये डिफीट हो गया, डिफीट कर दिया, एक लात खेल करता हूँ। काश इस गेम के सब स्टोरीज में भी वॉइस एक्टिंग होती, वॉइस एक्टिंग अगर होती भी जैपनीज में होती पर फिर भी मतलब इसमें सिर्फ टेक्स्ट ही आता है सब स्टोरीज में। अब जाके पहचाना किरियो है, डोजीमा फैमिली का है, रेगिनो डोजीमा है। इसके पीछे और भी गुंडे लोग खड़े, मतलब और एक्शन होने वाला। ओ वाह हमें कॉइन लॉकर मिल गया। अरे भाई तो चला गया, तो बस ये आदमी बस गोल गोल घूम रहा था, उसको लगता है गोल गोल एक ही एरिया घूमने से जो उसका पीछा करे वो उसको छोड़ देंगे। चलो नोवो रिच आदमी मिल गया मेरे को, मतलब या कोई अमीर या कोई उसका कोई हथियार नहीं देखा, ये बाइक से मारता हूँ। ये को डिफीट करने के बाद बहुत तेज हो गया। हाँ बहुत बढ़िया, अभी हमारे पास 1600 समथिंग येन है। अच्छी बात है क्योंकि मेरा रिकॉर्डर ब्लॉक कर रहा है, मैं पूरा पढ़ नहीं पा रहा हूँ कितने येन है हमारे। थोड़े देर आगे बढ़ा और याकूल का उनको बड़ी बड़ी कौन से मतलब जिसे मेजीमा छुपा हुआ था। Fantastic. ओह अरे यहाँ पे एक जनरेटर है, अगर वो जनरेटर उठा के मार दो बहुत अच्छा हो जाएगा। यस
yes, generator. वो जनरेटर उठा के मार दिया. जनरेटर में इलेक्ट्रॉनिक पैनल. ये लोग जिंदा कैसे बच जाते हैं इतना ज्यादा पिटाई खा के. हारुका हमारे साथ भी होना. हारुका साथ होगी तो बच्चे से बात कर. हाँ मेरे को कॉइन लॉकर के एरियाज दिखे हैं. यहाँ पे जाके कुछ सामान लेके आना. ओह तभी उसने मुझे कॉइन लॉकर की चाबी दी. इसका मतलब उस कॉइन लॉकर में कुछ है तो या तो जा पीछे नहीं. लगता है कुछ बहुत ही महंगी चीज होगी या तो कोई हथियार होगा. पकड़ लो और गोल गोल घुमा के मारो. इतना यूजफुल. वहां हमने सबको डिफीट कर दिया. आखिरी बंदा बचा है. बहुत बढ़िया. सब पिट गया. Pandora's box है क्या? You don't know what is unleashing. कुछ हथियार है, कुछ ब्लैकमेलिंग का आइटम है क्या? बड़े करिश्मेटिक फोटो. उनके बॉस की फोटो है. सब स्टोरी खत्म हो गया. 30,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स बहुत बढ़िया. तो बस यही था इसमें. तो हमें सिर्फ एक तस्वीर मिली. मेरे को एक्चुअली जानना ही क्या तस्वीर है क्या. उनका बॉस इतना खराब दिख रहा है बिल्कुल भी समझ नहीं. कॉस्मेटिक फोटो लिटरली उनके बॉस की तस्वीर है. और अपेरेंटली हम पे हमले आएंगे अगर हम इसको यूज करेंगे. एक बार ट्राई करता हूँ. ये सच्ची में मेरे पे हमले होते हैं अगर मैं ये तस्वीर अपने एक्सेसरीज के साथ रखूँ. देखते क्या होता है. कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या. अभी तक तो सेफ है. हम निजीमा पे हमला कर दे अच्छा हो जाएगा. निजीमा को डिफीट कर लेंगे. वो ऑलरेडी हमारे पीछे सारे गुंडे लोग लग रहे हैं ऑलरेडी. बड़ा बहुत समय से ट्राई नहीं किया. बहुत जैसे गेम आगे बढ़ता है गैंग की लड़ाई और बढ़ती जाती है. तो क्या हो रहा है. एक साथ हम पे कितने एनिमी लगाएंगे. इस गेम की शुरुआत में हमको सिर्फ दो तीन एनिमी शुरुआत देते हैं.
ちょっと待って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 待Oh wow, wow, wow. This heat move is amazing. ये कमाल है. क्या चाकू लगता है मेरे बाप रे. Kiryu Kazuma के हाथ में चाकू. Oops. इसने चाकू फेंक क्यों दी? वाह भाई, चाकू कहाँ है? गलत जगह है. गलत, गलत, गलत. गलती का मैं साइकिल उठा के पूरा टायर सर पे मार दिया, जैसे टॉम एंड जेरी के कार्टून चल रही है. यार कई बार तो लगता है टॉम एंड जेरी चल रही है. इस तरह के मूव्स आप अनलीश कर सकते हो एनिमीज पे. और ये कौन? ये क्या हो गया? मैंने पहले एक सब स्टोरी शुरू की थी, अब वो सब स्टोरी यहाँ से कंटिन्यू आ रही है. अरे मेरे को इससे पहले मैं स्टोरी कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये आदमी बात कर रहा है. यहाँ से कुछ हेल्थ ले और आई थिंक थोड़ी हेल्थ की जरूरत है. ओह हेल्थ है ही नहीं, मतलब कोई ग्रोसरी की दुकान से कुछ खाना लेना पड़ेगा कि मेरे पास सिर्फ चार एनर्जी ड्रिंक्स ही रह गई हैं. चलो ये सब स्टोरी कंटिन्यू करते हैं. आनो तत्सु का मत का मतलब ड्रैगन होता है जैपनीज में. अब क्या हो गया? कुछ गड़बड़ हो गया. वो होमलेस हंटर, वो गुंडे लोग जो पार्क में घूमते हैं, वो तो याकुजा जीरो में भी थे. अगर मेरा बेसबॉल बैट होती तो उससे मारता. इस वक्त बेसबॉल बैट नहीं है, तलवार है. पर तलवार के बजे और कौन सी चीज़ से मार सकता हूँ उनको? तलवार ही ठीक रहेगा. उनके लिए तलवार ही ठीक है. लास्ट टाइम बेसबॉल बैट से उनकी पिटाई की थी, लगता है उनको बात समझ नहीं है. चैंपियन डिस्ट्रिक्ट का है.
बैट खोल के देखना पड़ेगा। हाँ ये चैंपियन डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे बार है जीने के लिए, उधर जाना पड़ेगा। बहुत लंबा दौड़ना पड़ेगा, आज टैक्सी ले लेता हूँ। अरे वहाँ इसकी मेटल रॉड सीन है। ओ वाह, मेटल रॉड की तरह ये मेटल रॉड ज्यादा डैमेज नहीं दे रही। हाँ अब दे रही है। चैंपियन डिस्ट्रिक्ट में जब पहुंच रहे हैं तो ये चैंपियन डिस्ट्रिक्ट इधर जाना पड़ेगा। इधर इधर ओ बेचारे को पे दिया ऑलरेडी उन्होंने। लगता है इसको एनर्जी ड्रिंक देना पड़ेगा नहीं तो बढ़ाने की। वेस्ट पार्क में चले वेस्ट पार्क। तो याकुजा किवामी बीच में मैंने थोड़ा ब्रेक ले गया था खेलने से, आपको याद नहीं है। पर अब बाइक उठा के मारो किलो बजे ना जा किलो हल्क बन गए किलो हल्क। सबको पीट दिया मोटरसाइकिल के पहिए से ही पीट दिया। अरे यार ये इस तरह तो गुंडे पीछे लगते ही रहेंगे और टाइम वेस्ट होता रहेगा, हम कोई सब्सक्राइब ही नहीं कर पाए। ये तस्वीर हटाओ, ये तस्वीर को लगाते ही मतलब कितने गुंडे पीछे इसे गुंडों की कमी होती है। और यही है ना, ये कौन से गुंडे पहली बार देख रहा हूँ ये वाले। यहाँ हेयर स्टाइल नहीं गुड। कज़ुमा इतना एज हो चुका है याकुज़ा जीरो से कि अब सब लोग उसको ओल्ड मैन बुला रहे। कज़ुमा गुस्से में आ गया है, अब पिटाई होगी।
को तो तलवार से मार देना पड़ेगा। अभी तक हमारे पास तलवार है पर इस्तेमाल नहीं है। पहले तो ड्रैगन स्टाइल शुरू करो, आप तलवार निकालो। बहुत बुरी तरह काट दिया तुमने। खजुमा इस तरह काट सकता है तलवार से, फिर भी कोई होता नहीं है, कैसे हो सकता है? अभी भी मुझे विश्वास नहीं आता कि वो मीम सच है, किरियू खजुमा डिड नॉट किल एनीबॉडी। फिर ये क्या है, ये कौन से मूव कीट मूव है? वो हमें जेनसान का वॉलेट मिल गया जिस बुड्ढे बाबा को इन लोगों ने पीट दिया। इस बार टैक्सी से जाना पड़ेगा वापस जेनसान के पास। मेरे को एक्चुअली टैक्सी में जाने की जरूरत नहीं, इधर ही है वो चैंपियन डिस्ट्रिक्ट, इधर ही है। और जेनसान इधर ही होगा, जेनसान हॉस्पिटल पहुंच गया। चलो इसको दे दिया मैंने। ये क्या दिया जेनसन? फोटो ऑफ जेनसन, फोटो का ही। आनो वॉलंटियर मेडिक ओवरसीज वॉर जोन अफगानिस्तान तो नहीं है कहीं, उसमें जापानी स्ट्रोक्स इन्वॉल्व हुए थे। उनका काम यही था, वॉलंटियर मेडिक का काम था, तो सप्लाई थे हिस्ट्री तो मालूम है। ओह ये तो इमोशनल सब स्टोरी हो गई है। का बेटा एक्चुअली नहीं रहा और किरियू काफी दिखता है शक्ल में उसके बेटे। सैक्रिफाइस स्टोन मिल गया, वो तो बहुत यूजफुल चीज है। सैक्रिफाइस स्टोन अगर आपके इन्वेंटोरी में है तो अगर आपकी हेल्थ जीरो हो जाए आपको वन लाइफ फुल वापस मिल जाती है। अच्छी इमोशनल वाली सब स्टोरी होगी। 2000 एक्सपीरियंस पॉइंट ही मिले बस। और सैक्रिफाइस स्टोन बहुत ही यूजफुल आइटम। हमने तकरीबन काफ़ी इम्पोर्टेंट सब स्टोरीज खत्म कर दी, थोड़े और बाकी है पर वक्त आ गया है। नहीं 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 और गुड्डे लोग, तो पहले तो हमें जाके शॉपिंग करना पड़ेगा हेल्थ आइटम्स के लिए, या तो हम एनर्जी ड्रिंक्स खरीदे या कुछ खाना खरीदे। तलवार भी नहीं दिख रही, तलवार देख रही।
तुम एक महीने को तो काट ही सकते तलवार टूट गई। और ये वाला तो शो करना पड़ेगा, तो लॉन्च ही नहीं हुआ। आप झुंड में आ गए, आप कोई नहीं शो कर देगा, सब पिटेंगे, सब पिटेंगे, सब पिटेंगे। साइकिल मारो, साइकिल मारो। एट मीटर पूरी अगली बार बहुत बढ़िया कॉम्बो आने वाला है। 8 मीटर को जल्दी अगर फिल करना है एक जल्दी कॉम्बो लॉन्च करने के लिए। वो पिछली अलग अलग अटैक यूज हिट करो एनिमी पे विदाउट टेकिंग डैमेज योर सेल्फ। इस बार बहुत गुस्से में हेल्थ फुल रखना बहुत जरूरी है। उससे पहले नजीमा से मिलने वेपन रखना जरूरी है, क्योंकि प्रिडिक्ट नहीं कर सकते नजीमा क्या करेगा। नजीमा के लिए भी तलवार ही थी, नहीं नजीमा के लिए तो ये तलवार नहीं है, नजीमा के लिए बहुत कमाल कर रखा है, नजीमा के लिए बहुत सब पेट गए। इस बार सिर्फ 3 ही आए, अच्छी बात है। हम बैटिंग सेंटर तक पहुंच ही जाएंगे जल्द। ये बैटिंग सेंटर के पास आ गया, इधर मिलेगा हमको नजीमा, क्योंकि नजीमा जैसा रहे अनप्रिडिक्टेबल नजीमा। कोई नजीमा को चैलेंज तो नहीं करेगा बेसबॉल खेलने के लिए, कीबोर्ड एंड माउस से बेसबॉल ठीक से चलता नहीं है। हमें बेसबॉल खेलना पड़ेगा। चलो सबसे इजी वाला करते हैं, क्योंकि कीबोर्ड एंड माउस में इजी बेस्ट है। अरे ये क्या चीज है? वो ये क्या हो गया? अच्छा ऐसा बना है, कीबोर्ड से घुमाओ माउस से। ओ मिस हो गया रे, मेरे को समझ नहीं आता अभी तक कीबोर्ड और माउस से कैसे करें। तो ये गेम बिल्कुल भी नहीं बना कीबोर्ड और माउस से खेलेंगे। वो ऊपर 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 राइट किस्म का बेसबॉल गेम चल रहा है। याद को था 0 में क्या था, ऐसा वर्चुअल स्क्रीन में लिखा था बेसबॉल प्लेयर।
हमको 18 बॉल दे दिए। ओ भाई ऊपर कैसे उछाले बॉल को, स्कोर कैसे करना है। ओ इस तरह करना है, ऊपर देखते रहो जब बॉल आएगा। ओ आप बात कोई आप समझ आए। नहीं गया, नहीं लगा, बहुत डिफिकल्ट है, बिल्कुल नहीं। कंट्रोलर में बहुत आसान होता है, माउस में बिल्कुल नहीं लग रहा है। इसकी तरफ देख के कर रहे सबसे ज्यादा बेसबॉल बैट पहले नजीमा के साथ ही आता है, क्योंकि उसमें जब होम रन होता है इंसान को लगती है बेसबॉल इंसान का होम रन होता है। बस वो ही बॉल समझेगी, अच्छी बात है, क्योंकि मुझे इसमें इतना मजा नहीं आया, ये बहुत साथ प्रॉब्लम है। देखते हैं नजीमा का क्या ख्याल है हमारी बेसबॉल परफॉर्मेंस का। न्यू रिकॉर्ड रैंक ओनली सी, इवन किरियो भी खुश नहीं अपना सर खिला रहे हैं, तो नया रिकॉर्ड बन गया। चलो बस हमें पॉकेट टिश्यूज मिले, हम इसका क्या करेंगे, ये हमारा प्राइज है। नजीमा आई होप देयर ओ वेल इफ इट इन किरियो चान, नजीमा आ गया। और फिर से झकना है, पहले हमें नजीमा से परमिशन लेनी पड़ेगी ये इस्तेमाल करने के लिए। कहते हैं लेट्स आउट, I don't feel like fighting. Yeah. Oh, Kiryu को भी baseball पसंद है। वो झगड़ा होने वाला है इन दोनों के बीच में। It's going to be a fight. This is street fighting शुरू होने वाला है। फिर से इधर, अरे वाह, ये तो बीच में गेम में ऐसा हुआ था। ओ भाई 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 को पकड़ो, ओ ओ ओ इतना जानवर बन के मैन डॉग, मैन डॉग आ चुका है अपने मैन डॉग। ओ भाई मैन डॉग, मैडॉग ऑफ क्या नाम है इसका, मैडॉग ऑफ शिमानो। ओ बेसबॉल है इधर, गुड, व्हाट अ शेम। ओ तो मुझे बीट देगा, बहुत बुरी तरह है, कभी थोड़ी देर और रही वहाँ पे। बेसबॉल बैट अच्छा हुआ है इधर। भाई भाई भाई
हीट मोड अनलॉक हो गया, हीट मोड में आ गया ये भाई, बेसबॉल बैट की तरह वो ये वाला। वो भाई उसने बेसबॉल बैट तोड़ दिया हमारे, बेसबॉल बैट भी तोड़ दिया, क्या करें चीटिंग करेंगे, वो बेसबॉल खेलता है तो हम गोल्फ से खेलेंगे। अब मेजी में डिफीट हो जाएगा, अरे चीमा में बहुत ताकत है। डबल पास तो वो भाई की भी हो, तुमको नहीं मालूम याकुजा जीरो में क्या क्या हुआ था। यस रैंक बी हो गया, वी लर्न द बैट मास्टरी। अरे वाह, हमने नया ड्रैगन स्टाइल मूव अनलॉक कर दिया, देखते ये कौन सा नया ड्रैगन स्टाइल मूव है। ओ ये वाला बैट मास्टरी, योर वेपन ड्यूरेबिलिटी वोंट ड्रॉप इन वील्डिंग ए बैट एज लॉन्ग एज इट रिमेन कम, इट्स स्किल फिटिंग ऑफ अ मास्टर ऑफ द बैट। अरे वाह, अब हम बेसबॉल बैट से नॉन स्टॉप मार सकते हैं और वो टूटेगा नहीं, बढ़िया। क्योंकि इस गेम में एनिमी बेसबॉल बैट बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। बूस्ट मैक्सिमम हेल्थ द एक्सट्रीम, ये भी ये बहुत जरूरी है अपना हेल्थ बार बढ़ाना। यस बहुत बढ़िया, ये स्किल पॉइंट भी अनलॉक कर दी, ये स्किल अनलॉक कर दी। चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं, मेजीमा फिर हमें ढूंढ देगा। क्या सिस्टम है इस गेम का, मतलब ओह नो, हम थोड़ी देर के लिए बाहर आई और किरी किरी उच्चारण ऑलरेडी हमें सुनाई दे रहा है। कहाँ है मेजीमा, मेजीमा चान फिर से मेजीमा को उनको डिफीट करना पड़ेगा। ऐसा लगता है बड़ा रिपीटेटिव है बट बहुत ही मजेदार है मेजीमा से लड़। वो हमारे पीछे याकूजा क्यों लग गया, हम समझे। हम ऐसे ही बस चल रहे हैं, अब याकूजा लग गया हमारे पीछे, क्या अजीब बात। अरे कहीं मेजीमा का प्लान तो नहीं, कई बार मेजीमा किसी और के फाइट के बीच में घुस जाता। ओ भाई मेजीमा आ गया, अरे भाई ये क्या है, मेजीमा का हेल्थ बार इतना ज्यादा नहीं है और क्या कमाल की बात है। बेसबॉल बैट के साथ साथ हमारा ये भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, गोल्फ क्लब टू की। वाह क्या गोल्फ खेल रहे हैं, वो नहीं नहीं
टूना एंड एग सैंडविच खरीदो, सामन राइस बॉल खरीदो, कोडिंग सूप खरीदो। अरे बोल मास्टर, मैं इधर ही इस खाने को खा जाते हैं। गोल्फ क्लब भी टूट गया, नेक्स्ट टाइम मैं जी माया उसको ये छाते से मारना पड़ता है। खाना वो सैंडविच खाने के बाद सुशी सेट खाने का हेल्प बहुत बड़ा। सुशी सेट काफी नहीं होगा और कुछ खाना पड़ेगा। याकी सोबा खरीद लेते हैं, बीन पेस्ट बन खरीद लेते हैं, दूध खरीद लेते हैं। और ये जो रेनबो ड्रिंक है, अरे वो नमस्कार, अजीब से साउंड इफेक्ट है जब वीडियो जैसे मसा है एनर्जी ड्रिंक पीता है, सोडा ड्रिंक। एनर्जी ड्रिंक तो हेल्थ आइटम है, पर जब भी दूसरे ड्रिंक्स पीता है अजीब सी आवाज आती है। अरे बोल मास्टर, वो जो ऑरेंज है, उस ऑरेंज की एक बहुत बड़ी खासियत है। पहले मुझे समझ आता है ऑरेंज एक आई के लिए जैसे मसा है, क्योंकि वो ऑरेंज आपकी हेल्थ तो बढ़ाता नहीं है इतनी ज़्यादा जब आप खाओ। उस ऑरेंज का एक बहुत कमाल का यूज है जो मैं आपको दिखाऊंगा अगर वो आपके इन्वेंटरी में। भाई यहाँ पे कौन से मोमोज बीन पेस्ट बन बन है, ये मोमो नहीं है, ये तो इनका बन। पहले तो अपना स्किल पॉइंट बढ़ाते हैं, हमने बॉडी का काफ़ी बढ़ा लिया, हेल्थ ही बढ़ाना चाहिए क्योंकि हेल्थ बहुत ज़रूरी है। प्लस 23 हेल्थ बहुत बढ़िया, और हेल्थ बढ़ा ली होगी इधर से, और हेल्थ बढ़ा ली। आपको बाहर जाके दिखाते हैं ऑरेंज का क्या यूज है, एक्चुअली इसका बड़ा कमाल का यूज है। ऑरेंज का बेस्ट यूज ऑफ है ऑरेंज में ही गेम। इधर तो नहीं दिख रहे कोई गुंडे, कोई गुंडे भी नहीं दिख रहे भाई। किरियो ने आज तो पूरा 1500 के सारे गैंग ही तोड़ दिए। हम आपको दिखाएंगे अब कि उस ऑरेंज का क्या यूज है, एक बार दिखाना पड़ेगा। ओ भाई तो ये तो सारे गुंडे ही फिर जाएंगे। मुझे हमको बहुत ही सही लगता है वो हीट। अरे भाई वो हीट हम ऑरेंज वाला दिखाना चाहते थे और गुंडे गुंडे पड़ेंगे क्योंकि वो हीट मूव बहुत ही कमाल है। गेम चलना भी नहीं चाहिए, संभव रिकॉर्ड कर पा रहे हैं इस गेम को, साथ में चला भी रहे। क्या ऑप्टिमाइजेशन इस गेम में, किसको बुली कर रहे हैं गेम। नहीं
8 moves to me is what I'm talking about. Yes! ये वाला एक मुंह उसके मुंह में संतरा डाल के संतरा फोड़ दिया आपने पैर से उसके मुंह में क्या कमाल का है वो संतरे वाला हीट मुंह बहुत ही बढ़िया थोड़े बहुत है वो गन है भी या नहीं है मालूम नहीं पड़ रहा सारी लड़ाई हाथ पैर से और मेले वेपन से हमको याकूजा मिल गया बहुत बुरा हल खेल संतरा संतरा क्या कार्टून वाला साउंड इफेक्ट आता है संतरा जाएगा निचोड़ देना विटामिन सी देगा क्या तरीका है के विटामिन सी आज बहुत अच्छा एडवेंचर हुआ किरियो कजुमा के कमरोचो एडवेंचर किरियो कजुमा कमरोचो एडवेंचर ये नाम रखना चाहूँगा इस पूरे वीडियो का वाह इधर भी एंड करते हैं अब सेव करते हैं भाई अगले वीडियो में मिलते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कभी आपको जाते वीडियो बनाएंगे हम क्योंकि ये तो बेस्ट गेम है भाई